चुनाव जीतने के बाद अगर आप अपनी समस्या लेके किसी नेता के पास जाएं और ऐसे में वो आपको गाली बके, थप्पड़ मारे या जूते से मारे, तो आप उस चीज के लिए उसका बुरा ना माने, क्योंकि इसमें इस नेता की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी गलती क्यों है बताता हूँ आपको। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट डालने का, उसी तरीके से आपके पास ये भी अधिकार है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो सही आदमी हो, मतलब सही आदमी को चुनकर, सही नेता को चुनकर वोट डालने का अधिकार आपके पास है। अगर आप अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत व्यक्ति को, थोड़े से लालच के चक्कर में गलत व्यक्ति को अगर वोट दे देते हैं, और ऐसे में चुनाव जीतने के बाद वो आपकी शिकायतों को सुनने के बजाय आपको गालियां बकी, तो इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना। आपने थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में गलत व्यक्ति को चुनकर एक नेता बना दिया, और अगले 5 साल तक अब आपको उसको झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं देश के अंदर चुनाव है, और चुनाव में वोट डालना वो आपका अधिकार है, और वोट डालना भी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस नेता को हम चुन रहे हैं उसको जिताने के बाद या उसके जीतने के बाद वो अपनी नज़रें हमसे ना फेर लें, और क्या पता हमारे जिताने के बाद हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिता दें जो हमारे विकास को तो छोड़ो, सिर्फ अपना विकास करें और घोटालों की छड़ी लगा दें। तो दोस्तों, ऐसे नेताओं से हमें बच के रहना है। और दोस्तों, यही बातें भोजपुरी गायक और कलाकार नया सिंह राठौर भी कह रहे हैं। नया सिंह राठौर ने अपना एक नया गाना जारी किया है जिसमें, तो दोस्तों नया सिंह राठौर ने अपना एक नया गीत जारी किया है जिस गीत के अंदर वो सभी लोगों से, सभी आम जनता से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वोट डालने का अधिकार हर आदमी का होता है और वोट डालना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसने उन्होंने नया सिंह राठौर, जैसा आप सभी जानते हैं और हमेशा हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि नया सिंह राठौर एक ऐसी सिंगर है, एक ऐसी गायिका है जो अपनी गायिका के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से सरकार से लगातार सवाल खड़े करती है, सरकार से लगातार अपने सवालों के जवाब मांगती है, हमेशा वो अपने गीत के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। खैर दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या कुछ कहना चाह रही है अपने गीत के माध्यम से, आप भी सुनिए उनका ये वायरल गाना, और इस गीत के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। 5 साल बाद आइल बमौका, ऐसे ही गवई है ना, बटन दबैला के बाद मनोजवा गेहूं दवाई है ना, अरे वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना, एकाकी एकाकाए चाची चचा सुन मोरे भैया ना, वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना, अरे सरकार चुने के बाजा दी सपना, सरकार चुने के बाजा दी सपना, तनी कॉपी छुए है ना, मतदान कैला के बाद निरहुआ खाद छिटवे है ना, मतदान कैला के बाद निरहुआ खाद छिटवे है ना, अरे नैकी बहुरिया नायक कनिया वोटर आईडी अपडेट कल धनिया, नैकी बहुरिया नायक कनिया आईडी अपन अपडेट कल धनिया, अरे तनिको लजई है ना, वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना, अरे आजी बाबा के धरा के ठेंगुरिया कस के पकड़ लेना उनकर अंगुरिया, आजी बाबा के धरा के ठेंगुरिया कस के पकड़ लेना उनकर अंगुरिया, अरे रे रे गिरे है ना, वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना, अरे एकाकी एकाकाए चाची चचा सुन मोरे भैया ना, वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना, एगो दुगो काम या काज होई बाकी वोट देवे जई है ना, वोट दे वाला अधिकार है तो हर त वोट देवे जई है ना।